त्रिपाठी के पॉपुलर एक्टर स्वप्निल जोशी बेरोजगारों के लिए बने भगवान। स्वप्निल ने बेरोजगार लोगों की मदद, आखिर किस तरह से मदद कर रहे हैं स्वप्निल, क्या है उनका पूरा प्लान, चलिए जानते हैं। एक्टर स्वप्निल जोशी उन लोगों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं जो इस समय बेरोजगार हो चुके हैं। उन्होंने बेरोजगारों की मदद के लिए अपना एक YouTube चैनल लॉन्च किया है। इस चैनल के माध्यम से जो लोग कोरोना वायरस महामारी के कारण बेरोजगार हो चुके हैं वो नौकरी पा सकेंगे। उन्होंने कहा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हो गए हैं, उनके लिए एक दिन गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। इनमें से वो लोग अधिक प्रभावित हुए हैं जो रोजाना कमाकर खाते थे, वो इस दौरान काम पाने में असमर्थ हैं। इसीलिए इस मंच के माध्यम से जरूरतमंद लोग जैसे दैनिक मजदूर, दैनिक काम करने वाले की जरूरत होगी, उनसे जुड़ सकेंगे। स्वप्निल ये काम मुफ्त में कर रहे हैं, इसलिए जो कोई भी नौकरी पाता है तो उसके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं देना होगा। बता दें, स्वप्निल जोशी ने एक्टिंग की शुरुआत 9 साल की उम्र में ही कर दी थी। वो पहली बार रामानंद सागर के उत्तर रामायण में छोटे कुश के किरदार में नजर आए थे। साल 1997 में उन्होंने पहली बार फिल्म गुलाम मुस्तफा किया था। बता दें, उस फिल्म में नाना पाटेकर रवीना टंडन के साथ नजर आए थे और इसके बाद उन्होंने छोटे पर्दे पे कई सारे टीवी शोज किए। इसके बाद उन्होंने अपना हाथ मराठी मूवी में आजमाया। आज के समय में स्वप्निल जोशी मराठी इंडस्ट्री में एक जाना माना चेहरा है। खैर, जिस तरह से स्वप्निल बेरोजगार लोगों की मदद कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टेलीविजन के लेटेस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।